Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म रोबोट 2.0 साल 2018 ही नहीं बल्कि बॉलीवुड टॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के करियर में अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म से उम्मीदें भी फैंस बहुत ज़्यादा लगा के बैठे हुए हैं। अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं वो इस फिल्म के अंदर विलन का किरदार निभा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करें तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अब पीछे छोड़ देती है सलमान खान की फिल्म रेस 3 और तो दूसरी ओर देखा जाए तो आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को। तो पहले बात करें रेस 3 के एडवांस बुकिंग के बारे में तो इस फिल्म का एडवांस बुकिंग थी 18 करोड़ रुपए की। जी हाँ दोस्तों, 18 करोड़ रुपए की भारत के अंदर एडवांस बुकिंग रेस 3 की गई थी। वहीं दूसरी ओर बात करें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जिसके अंदर आमिर खान, अमिताभ बच्चन, फातिमा साना शेख और कैटरीना कैफ थी और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म का एडवांस बुकिंग का कलेक्शन था 28.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोबोट 2.0 इस साल की ही नहीं बल्कि अब तक की सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग वाली फिल्म बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म का एडवांस बुकिंग का कलेक्शन हो चुका है 150 करोड़ रुपए का। और इस फिल्म ने इसी के साथ सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई फिल्मों का तो लाइफ टाइम कलेक्शन भी इतना नहीं हुआ जितना एडवांस बुकिंग के अंदर इस फिल्म ने एक ही बार में कर लिया। और ये तो सिर्फ साउथ की एडवांस बुकिंग की बात यहाँ पे चल रही है। दोस्तों, अगर पूरे इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्ट सारे साइड्स को मिला के स्क्रीन्स के ऊपर कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म का कलेक्शन बहुत ही शानदार होने वाला है। और दोस्तों, साउथ के अलावा अगर पूरे इंडिया के फैंस की बात की जाए तो आप में से कौन कौन से लोग हैं जो इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं और इस फिल्म का इंतज़ार कितने फैंस को है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले।